Hey guys, this is Priyanka and welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope आप सब लोग ठीक होंगे. So friends, आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ housewife everyday का मेकअप कैसे करें, वो भी मिनिमम प्रोडक्ट के साथ. तो फ्रेंड्स, अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ. मैंने अभी कोई मेकअप कुछ भी अप्लाई नहीं किया है. सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना स्किन केयर करेंगे, क्योंकि ग्लोइंग और हेल्दी स्किन के लिए स्किन केयर बहुत ज़रूरी है. हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, ग्लोइंग रखता है. तो सबसे पहले मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ. टोनर के लिए मैंने रोज़ वाटर और उसमें मैंने कुछ एलोवेरा जेल थोड़ा सा मिक्स करके रखा है. मैं टोनर के लिए वही इस्तेमाल करती हूँ. देखिए, हम उसे पैट पैट करके ड्राई कर लेंगे. अब हम लगाएंगे एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल आप सबको पता है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, प्राइमर का भी काम करता है अगर आपको मेकअप करना हो तो. और मैं इसमें एक दो ड्रॉप विटामिन ई ऑयल मिक्स कर लूँगी. तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है. और एक कैप्सूल में से मैं दो ड्रॉप निकाल लूँगी, ये देखिए. और मैंने हाथ पे एलोवेरा जेल ले लिया थोड़ा सा. अब मैं इनको आपस में मिक्स कर लूँगी. फ्रेंड, नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं और हमारी स्किन को हेल्दी भी रखती हैं. तो देखिए, अब मैं इसे मसाज कर लूँगी. हाँ, आपको जेंटली करना है, बहुत हार्श नहीं होना है अपनी स्किन पे. बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रगड़ रगड़ के करते हैं, तो उस तरीके से हमें नहीं करना है. हमें हल्के हाथों से अप्लाई कर लेना है. देखिए, मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लिया है. अब ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करेगा और प्राइमर का भी काम करेगा. देखिए, मेरा बेटा है फ्रेंड्स, टीवी देख रहा है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वो टीवी देख रहा था. तो अब हम इसी रोज़ वाटर जो हमने एलोवेरा और रोज़ वाटर मिक्स करके रखा है, इसी को स्प्रे कर लेंगे, ताकि हमारा फेस हल्का गीला हो जाए. और कॉम्पैक्ट से सेट कर लेंगे, जिससे हमारा बेस कम्प्लीट हो जाए. तो देखिए, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है तो आप जो बेबी पाउडर होता है आप उसे भी हल्का हल्का यूज़ करके कर सकते हैं. मैंने फेस को जो टोनर लगा लिया था, इससे क्या होगा कि जो कॉम्पैक्ट हम लगाएंगे वो सेट हो जाएगा. तो फेस हल्का सा गीला हो गया था तो कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा. तो देखिए, हमारा बेस कंप्लीट हो गया है. अब हम आईब्रो पेंसिल, अगर आपकी आईब्रो लाइट है तो अगर आपको यूज़ करना होता तो देखिए, मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस हल्का हल्का, कहीं कहीं स्पेस होता है तो बस उसको फिल करना है. आप चाहें तो आप थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं, पर मुझे नेचुरली चाहिए, क्योंकि मुझे घर में ही रहना है, बाहर तो जाना नहीं है. तो बस मैं हल्का सा फिल कर रही हूँ. और आईब्रो के लिए फ्रेंड्स, हमेशा ब्राउन शेड लिया करिए, क्योंकि ब्लैक जो है वो फिर मतलब अलग सा लगने लगता है. तो ब्राउन शेड सही रहता है आईब्रो के लिए. अब देखिए, मैंने लैक्मे का काजल लिया है. अब मैं इसे अप्लाई कर लूँगी. हमें काजल अच्छे से अप्लाई करना है अपनी वाटर लाइन पर. देखिए, मेरा बेटा मेरा सामान लेकर के मेकअप का जा रहा है और वो कुछ ले गया है और लेट करके उधर साइड में अपना टीवी देख रहा है. तो फ्रेंड्स, हमें काजल हमेशा अपनी अपर वाटर लाइन पे भी यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी आंखें ज़्यादा अच्छी लगती हैं. केवल नीचे हम लगा लेते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है. तो देखिए, मैं आप ऐसा कर सकते हैं, नीचे की तरफ देख करके फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर अपने हैंड के हेल्प से भी ऊपर की पलक पकड़ करके फिर भी आप लगा सकते हैं. तो देखिए, हमारा काजल लग गया है. अब आप हल्का सा स्मज करना चाहते हैं तो आप क्यूटिप भी ले सकते हैं, और या फिर जो आपने आईब्रो पेंसिल थी आपकी, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्राउन शेड का. तो देखिए, मैंने आईब्रो पेंसिल ही अपनी ले ली है और मैं हल्का सा बस काजल को स्मज कर रही हूँ इसकी हेल्प से. देखिए, मैं अपना साइड में भी हल्का सा कॉर्नर भी सेट कर ले रही हूँ. इससे हमें लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
तो देखिए काजल अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब हम मेबलिन का लिप बाम ट्राई करेंगे। इससे भी आप चाहें तो लुक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आप लिपस्टिक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं ज़रूरत है लिपस्टिक की तो आप आजकल तो टिंटेड लिप बाम आते हैं उनसे भी हल्का सा टिंट रहता है, या फिर आप न्यूट कलर की लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बोल्ड कलर घर में लगाना नहीं पसंद है तो देखिए मैंने लिप बाम लगा लिया है तो भी सफिशियंट लग रहा है। लेकिन अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। लिप बाम से लिप्स भी मॉइस्चराइज हो गए हैं। देखिए लिपस्टिक के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का मैट मी जो आता है वो लिया है। देखिए लिपस्टिक हमेशा लिप्स मैट लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए आपको लिक्विड लिपस्टिक पहले आपको ऊपर के कॉर्नर पे एक्स बनाना है बीच में, उसके बाद बीच में इसका देखिए कॉर्नर से फिल करना है नीचे से, जिससे आपकी लिपस्टिक फैलेगी नहीं और अच्छे से लग जाएगी। तो देखिए हमारी लिपस्टिक भी लग गई है। मुझे लगता है कि घर में रहने के लिए इतना लुक सफिशियंट है, इतना मेकअप और लुक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सिंदूर लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। बिंदी मैंने ऑलरेडी लगा रखी थी, मैं निकालना भी भूल गई थी। देखिए अब हम हल्का से सिंदूर लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। हाउसवाइफ के लिए एवरीडे मेकअप कंप्लीट है। आप चाहें तो इसे बाहर भी जा सकते हैं ये मेकअप वेयर करके। सो फ्रेंड्स आई होप मेरा एवरीडे हाउसवाइफ मेकअप लुक आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट के साथ किया गया था और प्रोडक्ट भी महंगे नहीं थे, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि क्या होता है हम घर में बहुत मेकअप करके नहीं रह सकते हैं, जैसे कि फाउंडेशन कंसीलर वगैरह बहुत हैवी हो जाता है, हमारी स्किन के लिए उतना अच्छा भी नहीं होता। हम ज़्यादा मेकअप तभी करें जब हमें ज़रूरत हो। बाकी इतना मेकअप मुझे लगता है सफिशियंट है अगर आप घर में रहते हो। अगर आप बाहर भी जाते हो, मार्केट भी आपको जाना है, देन इतने मेकअप को वेयर करके आप जा सकते हो। बहुत ही सिंपल लुक है और अच्छा लुक है। सो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।